हेलो फ्रेंड्स, आज है आप सबके फेवरेट शशांक व्यास का बर्थडे और आज इंडिया फोरम्स करेगा शशांक के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट। शशांक के लिए एक सरप्राइज है। दरअसल शशांक की कोस्टार शिवानी ने उनके लिए प्लान किया एक सरप्राइज डिनर। तो आइए देखते हैं कैसा लगता है शशांक को ये सरप्राइज। जी हाँ, मेरे को एक्टर का बर्थडे है शशांक व्यास का, सो आई गेस ही सिटिंग अलोन देयर एंड आई एम गोइंग टू गो एंड सरप्राइज हिम अ लिटिल विद दिस केक एंड द बंच ऑफ फ्लावर्स, सो लेट्स गो। देखिए, ये जो कुछ सरप्राइजेज होते हैं ये बड़े लाइफ टाइम मोमेंट होते हैं, क्योंकि क्या है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज के दिन शिवानी के साथ रहूँगा, या ये मेरे बर्थडे केक ले आएगी या फूल ले आएगी। तो इट वॉज वेरी स्वीट जेस्चर ऑफ हर एंड आई एम फीलिंग वेरी, क्योंकि बॉम्बे मेरे दोस्त बहुत कम हैं और जो हैं वो शायद कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो इन्होंने अपना वक्त निकाला और मेरे साथ सेलिब्रेट करी मेरा बर्थडे, तो थैंक यू। सो बेसिकली मैं इनको बोलती हूँ महात्मा गांधी, बिकॉज इनको सब प्रॉब्लम्स जानने होते हैं। मतलब वो कल को आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और पूछेंगे कि और घर पे खाना कितना बनता है, रोटियाँ कितनी बनती हैं घर पे। सो दिस नहीं नहीं मुझे, अरे यार तुम मुझे मरवा रही हो। लाइट बिल कितना आता है? नहीं है, ऐसा कब पूछा मैंने लाइट बिल, मैं थोड़ी चुकाने वाला हूँ तुम्हारा लाइट बिल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे आसपास लोग हैं, अगर मुझे उनसे जुड़ना है तो उनकी उनके हर चीज़, यानी कि उनका जो डाउनफॉल है या जो उनका रेस भी है, सब मुझे पता होना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनका फेस हमेशा स्पैनिक फेस ही रहे, मतलब डिप्रेशन वगैरह या सैड ना रहें। नहीं सीरियसली, क्योंकि आई ट्राई टू मेक हर स्माइल, एटलीस्ट आई ट्राई टू मेक। अब मैं कितना सफल होता हूँ नहीं होता हूँ मुझे। एंड एक्चुअली बोथ ऑफ देम, लाइक ये शशांक एंड विक्रम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जैसे हंसी आ ही जाती है, मतलब यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ। एंड और शशांक को एक बहुत ही अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है, ये बोलना जरूरी है। हाँ, मेरे को नहीं चाहिए बर्थडे गिफ्ट, तू मेरे लिए आई, केक लाई, फ्लावर्स लाई, कराई, बस वही काफी है। नहीं नहीं, बर्थडे गिफ्ट नहीं बनता है ना, मुझे चाहिए नहीं। अब हमने सस्पेंस क्रिएट कर दिया उस चीज को, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं खा पी के खुश हूँ। मैं देने वाली हूँ, अगर ये देती तो मुझे नहीं चाहिए, तो वही वियर्डेस्ट है। डोंट वरी, वो मैं देने वाली हूँ, वियर्डेस्ट गिफ्ट तो मिलेगा इनको। मैं बहुत फूडी हूँ यार, मतलब मेरे को तो खाना पीना मेरे को बहुत, हालांकि अब तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता बिकॉज ऑफ प्रोफेशन एंड एवरीथिंग, बट माय ओरिजिन इज फ्रॉम राजस्थान, तो वो जब मेरी बहन आती है तो मेरे लिए वही खाना बनाती है। और महाराजा भोग, मैं नाम लेना चाहूँगा विवियन, उसका ये फेवरेट प्लेस है, तो सबसे पहले वो मुझे वही लेकर आया था यहाँ पे, और तब से आना जाना लगा तो नहीं रहता, लेकिन हाँ जब भी कुछ घर का खाना खाने का मन करता तो महाराजा भोग में आपको वो टेस्ट मिलेगा। अब इतनी सारी गपशप के बाद थोड़ा डिनर का लुत्फ उठाया जाए। शशांक राजस्थान से हैं और इसलिए ये डिनर रखा गया है महाराजा भोग में, जो कि अपनी थाली के लिए बहुत फेमस। आइए जानते हैं शशांक से कि आखिर इस थाली में से उनकी फेवरेट डिश कौन सी है। मेरे को सब कुछ पसंद है इसमें यार, हालांकि मुझे ये बासुंदी बहुत पसंद आई। इनको दही वाला ये पसंद आएगा।
जो दही खाता है लंच में बस मतलब दही खाते हैं। नहीं मुझे दही बहुत पसंद है तो रायता है, कड़ी हम है। उनको गिफ्ट भी एक दही का पैकेट देने वाले हैं। तुम डिसाइड कर लो पहले क्या क्या दोगी। अब मैं बोलूँ मैं क्या देने वाली हूँ? दही बोलो दोगी ना, वही तो बोला तुमने। अभी फिलहाल मैं होकर आई हूँ राजस्थान से, सो आई एम एंजॉइंग दिस फूड एंड एनी वेज आई लव महाराजा भोग वेन एवर आई फील लाइक ईटिंग गुड वेज फूड। सो बेसिकली आई एम नॉट अ वेजिटेरियन, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो वेन एवर माई फैमिली फील्स लाइक कमिंग आउट एंड हैविंग वेज फूड विच इज़ वंस इन अ ब्लू मून, बट देन वी चूज महाराजा भोग फॉर वेज फूड। एक्चुअली क्या है महाराजा भोग की थाली का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ऑयल कम होता है, मसाले एकदम लिमिटेड होते हैं, तो हाँ यू कैन हैव, तो यू कैन हैव इट लाइक देयर इज नो ऑयल फ्लोइंग हियर एंड देयर। जो भिंडी है भिंडी में भिंडी का टेस्ट ही आएगा, ऐसा नहीं आपको तेल का स्वाद आ रहा है। वैसे तो ये दोनों शो में है पति पत्नी, मगर ऑफ स्क्रीन भी इनकी दोस्ती है काफी अच्छी, तो आइए देखते हैं इनका दोस्ताना। ऑफ स्क्रीन कितनी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए मैंने सुना था कि लड़कियों को समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, लड़कियां किसी की समझ में नहीं आती उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई कभी नहीं जान सकता। लेकिन ये मेरी एक ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं इस शो के अंदर जिनको समझने में मुझे शायद मुश्किल से 15-20 दिन लगे होंगे, और इनको मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। इनको समझना बहुत आसान है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है इनके नेचर में वो साफ़ होती है। अगर ये मुझे पसंद करती हैं तो कहेंगी हाँ मुझे पसंद करती हैं, अगर इनका मन में होगा कि मुझे ना पसंद करती हैं तो मेरे मुझसे कह देंगे तो मुझसे बात मत कर। तो इनका बड़ा क्लियर फंडा है, तो इनको समझना बड़ा ही आसान। अरे he is too good and what to say else, yeah he is very sweet and I had a different impression altogether that oh jagya balika vadhu and all of that, so no but it was like completely opposite, he was damn sweet and I thought you know working wise he'll show little tantrums and attitude and stuff, but no he was like completely opposite and he was damn sweet. देखिए हमेशा की मेरी ये प्लानिंग होती है कि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन शिरडी जाऊं और मैं सुबह निकलता हूं शाम को आता हूं, लेकिन ये जो जन्मदिन है बड़ा ही खास होने वाला है मेरे लिए क्योंकि मैं अपने होम टाउन जा रहा हूं उज्जैन, वहां पे शिव जी का टेम्पल है, महाकालेश्वर टेम्पल है, वहां दर्शन करूँगा और वहां पे मेरे कुछ स्कूल के पुराने मतलब ओल्ड फ्रेंड्स आर देयर, सो देर ऑल्सो वेटिंग फॉर मी टू कम। तो एक बार बड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग में अपने शहर में घूमूंगा, इंदौर जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा। इंदौर से तुम्हें क्या लाना है पता है? पेठा पान। अच्छा वहाँ पर मिलता है? नहीं मैंने भी ये फर्स्ट टाइम सुना, मैं ढूंढूंगा। पेठा पान मिलता है? अच्छा तो मैं पेठा पान जरूर लेकर आऊंगा। इट्स अ सरप्राइज फॉर मिस्टर शशांक व्यास एंड ही इज गोना गेट, थैंक यू, सरप्राइज ही रहने दो उसको सून, पर उनको पता है कि उनको क्या मिलने वाला है और वो नहीं चाहते कि मैं किसी को बताऊं। नहीं मुझे क्या पता, वो सरप्राइज है ना, जब मिलेगा तब देखेंगे। अच्छा तो बता दूं? नहीं नहीं तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगा ना। नहीं पर ठीक है ना। ठीक क्यों है? मैं आपको स्पेशली बुलाऊंगी उस दिन जब मैं इनको गिफ्ट तो मैं खैर अभी भी लाती पर इट जस्ट स्किप्ड। शो में तो लोग अथर्व और विविधा के लव ट्रैक को काफी पसंद कर रहे हैं और रवीश यानी कि शशांक की एंट्री से हो गए हैं काफी मायूस। सो शशांक हाउ डू यू हैंडल दिस क्रिटिसिज्म? देखिए सबसे बड़ी बात, जो मैं काम करता हूँ उसको मैं एंजॉय करता हूँ और जिस काम को मैं एंजॉय करता हूँ उसके मुझे पैसे मिलते हैं, सबसे बड़ी बात। रवीश इज अ कैरेक्टर जो कि मैं 12 घंटे प्ले करता हूँ, उसके बाद मैं शशांक होता हूँ, अपनी निजी जिंदगी में रहता हूँ। तो वो जो बात कर रहे हैं वो रवीश के लिए कर रहे हैं, वो मेरे तो कर नहीं रहे, तो मेरे को पर्सनल लर्निंग की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, बिकॉज दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। फर्स्ट मुझे देखिए आप चर्चा का विषय बने रही है, अब वो किसी के लिए अच्छा है किसी Any publicity is good publicity? People are talking about me and that's all I want. अभी जब ये हमारा जो इंटरव्यू है ये जाएगा तो जो तुम फैंस बहुत देखती हो बिथर और रविधा के, उस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो और हम उस बारे में क्या बात करते हैं? See, like, whenever I see lot of bad comments for him, I feel damn bad. नहीं अच्छे भी आते हैं, ऐसा मत बोलो यार। No, I'm talking about other thing, na. Like, of course, Ravidha ke alag aate hain, Vitharv ke alag aate hain. So whenever some people comment, I feel damn bad. But this guy, he gives a damn. Like, he's chilled out and he'll come and say, ye dekh kya hai, abhi dekh, ye likha hai mere bare mein. He's damn chilled out.
उसको कुछ पड़ी नहीं है. और ये बड़ा चैलेंजिंग है और ये मुझे चैलेंजेस हमेशा बहुत पसंद आते हैं एंड दैट्स द रीज़न आई चोज़न दिस शो. क्योंकि यहाँ पे फिर मैं जाऊँ और वहाँ पे कुछ मिले कुछ चैलेंज बचे ना तो मेरे लिए भी बड़ा बोरिंग टाइप हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इनकी पेयरिंग काफ़ी पॉपुलर है, हिट है, उसमें मैंने अपनी जगह बना ली कम टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है. और अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, मतलब अभी देखते हैं कहाँ तक जाएंगे. लाइक टू बी फ्रैंक विद यू, आई डोंट नो व्हाट आई एम शूटिंग टुमारो. हाँ यार बात भी है. आई डोंट नो, इट्स ऑलवेज सरप्राइज. लाइक आज ये करना है. एक दिन मैं सेट पे गई, मुझे पता चला मेरी बहन मर रही है. हाँ लेकिन 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 मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू के थ्रू, चूँकि जो फैंस होते हैं जैसे विथर के हैं, रविधा के हैं, तो वो आपस में ना एक थोड़ा सा बैड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है ट्विटर के ऊपर. तो कि जस्ट द शो, ये विविधा नहीं है, ये शिवानी है, मैं शशांक हूँ, वो विक्रम है. तो ये एक जॉइंट इफेक्ट होता है एक शो को खूबसूरत बनाने के लिए. उसमें आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएंगे और एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, ट्विटर का माहौल ख़राब करेंगे, इनको टैग करेंगे, मुझे टैग करेंगे विद बैड कमेंट्स, विद प्रोड्यूसर्स को टैग करेंगे, ये सब करना नहीं. इसलिए आई डोंट वांट टू कम ऑन ट्विटर टू गेट दोस. ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है. इट्स अ फन, वो 5:30 से 6 का शो है, उसको आधा घंटा एंजॉय कीजिए और बस वही है. डोंट टेक इट टू पर्सनली बिकॉज़ इट्स जस्ट अ शो. ओके आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माय माउथ, माय जोक आई विल कंट्रोल. I don't like you. I like you. Hi, this is Shashank Vyas. Please keep watching India Forums and please, please subscribe to India Forums YouTube channel. India Forums wishes Shashank a very happy birthday. Don't forget, for more updates on your favorite stars, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Ashima Chavra, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.